देव तो बहुत हार्ड कोशिश कर रहा है कि वो सब मोस्ट वांटेड हो. ऑडियंस को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल है, बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ रही है इसकी. जब मुझे ब्रीफ मिला कैरेक्टर का, जो जैसे इसकी पास्ट लाइफ रही है, जैसे व्हेनेवर यू वर्क ऑन अ कैरेक्टर, वेदर आप दिखाए या ना दिखाए शो में क्या है, लेकिन उसकी पास्ट के बारे में आपको कहा जाता है. आई हैव नेवर हर्ड सच अ डिटेल्ड इंट्रिगेट कॉम्प्लेक्स पास्ट हिस्ट्री. लड़का एक फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा था, सिटी से दूर रहा, इंटरेक्शन के बारे में नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम्स इंसिडेंट्स लाइफ में, जिसकी वजह से वो रूड हो गया है, ब्रैश और कम्प्लीटली आउटस्पोकन, लाइक लोग उसे पसंद नहीं करते. तो ऐसा पहला मेरा पहला ब्रीफ दिया गया था कैरेक्टर के लिए कि वो ही शुड बी हेटेड बाई एवरी वन. आई सेड ओके, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा जो हेट हो जाऊंगा, लेकिन ऑडियंस शुड लव हिम बिहाइंड कैमरा, ही शुड बी अ लवेबल गाय. सो दैट्स वेरी कन्फ्यूजिंग. सो देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स टू देव, एंड आई थिंक ये एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, जो जिसके बारे में वो खुद भी कन्फ्यूज है. सो इट इज समथिंग विच द ऑडियंस विल हैव टू डिसाइड. ये एक्चुअली एक्शन या नो एक्शन के लिए मैंने नहीं लिया था. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा एक्शन रखा गया है इसमें, क्योंकि जब आप टीवी के बारे में सोचते हो, आपको ज़्यादातर ऐसे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा जब आप साइन करते हो. मुझे मालूम था कि ये हाँ अलग शोज़ से डिफरेंट है ही फ्रॉम ऑल दी अदर शोज़. इसमें सास बहू नहीं है, किचन नहीं है, ये नहीं है, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वो भी अच्छे शोज़ हैं, लेकिन यू नो ये सब नहीं है. लेकिन जैसा ये शूट किया गया है, जैसे जैसे प्रेजेंट किया गया है, जैसे इसके एक्शन थे, वो मुझे ये एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि ये लेवल तक बनाया जाएगा. आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड दैट इज़ पॉइंट नंबर वन. टू इज़ उसके साथ जो स्टंट्स जो इन्वॉल्व किए गए वो इतने वेल प्रेजेंट किए गए हैं कि देयर इज़ लॉट ऑफ पेस. जितनी रनिंग मैंने ये शो में की है मैंने लाइफ में नहीं की है. जैसे स्टंट्स किए वो मैंने खतरों के खिलाड़ी में नहीं किए, जो मैं जीत के आया था. सो ओवरऑल दैट इज़ कम एज अ एडेड बोनस. लेकिन द रीज़न वाई आई साइन द शो वॉज ऑब्वियसली बिकॉज एक तो है कि मेरा शो है एंड दिस इट्स यू नो मेल डोमिनेटेड शोज, उनके टाइटल शोज आर नॉट टीवी जैसे फिल्मों में होता है नॉर्मली, मेल टीवी में फीमेल होता है. अगेन दैट डजेंट मैटर, बट द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड आई वुड से समथिंग दैट द चैनल एंड द प्रोड्यूसर्स वॉन्ट टू शो अबाउट दिस कैरेक्टर विच एक्साइटेड मी. वो कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ फॉर पीपल टू वॉच. सी खतरों के खिलाड़ी अगर मुझे इंजरी हो जाए तो यू नो अगला स्टंट में नहीं करूँगा, या हार जाऊँगा या एलिमिनेशन राउंड में जाऊँगा, बट आई कैन रेस्ट द नेक्स्ट डे. फिल्मों में भी ऐसा होता है कि यू कैन कैंसिल शूट बाद में, फिल्म की रिलीज डिले हो जाएगी, नो प्रॉब्लम. लेकिन टीवी में टेलीकास्ट नहीं रुकता. तो दैट द मोस्ट इनसेन थिंग के इसका एक्शन ऐसा है कि आप जो भी करो अगले दिन आपको शूट करना ही है. तो जैसे मैंने जब ट्रेन स्टेशन में शूट किया था, रनिंग ट्रेन के अंदर जंपिंग गोइंग, जो हाथ गाड़ी है उसके ऊपर जंप करना, मेरे आई हैड गॉट इंजर्ड इन दैट. तो मुझे हॉस्पिटल जाके टेटनस लेके आई हैड टू कम बैक टू शूट. एक हाइट से जो मैंने जंप किया, जो एक जिसके ऊपर गिरना था वो नहीं था, तो आई इंजर्ड माई एंकल, लेकिन मैं आई वॉज लिम्पिंग, तो आई हैड टू अगेन स्टिल कंटिन्यू शूटिंग. तो इसमें यू कैन नॉट स्टॉप शूटिंग. सो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज दैट कि आपको स्टंट भी ऐसे करने हैं जो लोगों को पसंद आए, जो यूनिक नॉवल लगे, ताकि इट डजेंट लुक बैड. क्योंकि टीवी में यू आर नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू गिव स्पेशल इफेक्ट्स या दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन. तो वट एवर यू आर डूइंग शुड लुक गुड, बट एट द सेम टाइम यू कैन गेट इंजर्ड, एंड इवन इफ यू आर यू हैव टू कंटिन्यू एक्टिंग. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी टायरिंग, बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. मैंने बस बहुत सारे शोज़ देखे. मैं नेटफ्लिक्स अमेजोन जैसे काफ़ी ऑनलाइन शोज़ देखते रहता हूँ, तो ऑफकोर्स आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ डिटेक्टिव शोज़. बट जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता गया, दिस सो मच ऑफ इमोशनल एंगल, रिलेशनशिप बेस्ड कैरेक्टर है ये, दैट आई हैव टू वॉच इवन दोज़ काइंड ऑफ शोज़. बट दैट्स व्हाट आई डू, आई लव वॉचिंग ग्रेट वर्क. और मेरे लिए वही होमवर्क रहता है कि यू वॉच गुड वर्क, ना कि टू मच ऑफ प्रेपरेशन, बिकॉज एनी थिंग दैट यू ट्राई टू हार्ड फॉर वो रटा हुआ लगता है. जैसे आप यू नो आई बिलीव अ फर्स्ट टेक ऑलवेज लुक्स बेस्ट. अगर आपकी लाइन सही आ जाए या बॉडी लैंग्वेज सही आ जाए और कोई लाइन में फंबल ना हो, फर्स्ट टेक इज ऑलवेज व्हाट इज इम्प्रॉम्प्टू कम्स वेल. बट इफ यू ट्राई टू रिसर्च ऑन अ कैरेक्टर एंड ट्राई टू डू इट लाइक अनदर वन, यू विल बी रेप्लिकेटिंग हिम. तो वो मिमिक्री हो जाती है और आप किसी के सक्सेस या किसी के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकते. तो इट्स ओनली अबाउट वॉचिंग गुड वर्क. आई एम वेरी हैप्पी विद द कास्ट, ना कि सिर्फ इसके लिए बिकॉज वी ऑल गेट अलॉन्ग, लेकिन दे ऑल फिटिंग द कैरेक्टर्स वेरी वेल. ज़ोरा आपा की जो एनर्जी है इसमें और जैसे वो है और जैसे उनका इक्वेशन है, देव बहुत प्यार करता है ज़ोरा आपा से, लेकिन कभी दिखाएगा नहीं क्योंकि वो उसके जहन में है ही नहीं.
जोरा आपा बहुत प्यार करती है लेकिन वो उसको अनॉय करती है, इरिटेट करती है, और उनका ऐसा इक्वेशन है कि वो उसके लिए खाना भी बनाएगी लेकिन वो उसको बोलेगा इसमें नमक हमें डाल के लेके आना। तो उनका रिलेशनशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग बना एंड शी इज सूटिंग इट सो वेल। मीरा वेरी टैलेंटेड गर्ल्स, शिमोना वो कपिल देव को बहुत पसंद करती है क्योंकि एक उसके लाइफ में कपिल है और दूसरा देव। तो शी इज टर्नड आउट टू बी अ प्लेजर टू वर्क विद एंड शी इज सो टैलेंटेड। और मैं उसका शो देखा करता था एंड टू थिंक शी वॉज रियली स्वीट एंड वेरी क्यूट लुकिंग एक्टर। वेरी हैप्पी टू वर्क विथ। महक बहुत सूट कर रही है अपने पार्ट को, शी इज़ ब्रिंगिंग ऑन द टेबल एग्जैक्टली वॉट वी नीडेड। और उसके कैरेक्टर के लिए बहुत ऑडिशन हुए थे तो बट नाउ दैट वी शॉट इट देयर समथिंग ब्यूटिफुल दैट्स कमिंग आउट ऑफ दैट कैरेक्टर। एंड द हाईलाइट ऑफ द शो, आई लव इंस्पेक्टर नार्वेकर। इंस्पेक्टर नार्वेकर मुझे बहुत, मैं आई रिमेंबर टेलिंग द मेकर्स के एक ऐसा लड़का चाहिए जो आपको वो, क्योंकि अगर आप शर्लॉक भी देख लो तो लस्ट्राड और शर्लॉक में जो है जो कॉप है और डिटेक्टिव, बिकॉज वो हेट करता है कि यू नो ये पुलिस को आउटडू करने जाता है ये लड़का। तो लेकिन ऑफकोर्स इसमें आपको इट्स अ स्टेप फर्दर देन शर्लॉक ऑल्सो बिकॉज ही इज़ अ क्रिमिनल ऑल्सो, दे क्रिमिनल भी है। लेकिन उनकी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो अमित दुलावत जो एक्टर है उसने बहुत ही स्पेक्टेक्युलर प्ले किया, और आई थिंक यूनिफॉर्म में और कोई इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अमित दिखता है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द कास्टिंग इज़ गॉन। कलर्स, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, दे हैव शोन रिस्पेक्ट फॉर द एक्टर। आई नो कुछ यू नो नोटिसज प्रॉब्लम जो हुई होगी बिकॉज दे आर वेरी टाइट लिप्ड विच इज एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट कलर्स, एंड आई डोंट थिंक इट्स माई डिपार्टमेंट टू वेन आस्क टू मच। लेकिन जो भी किया होगा फैमिली ने या जो वट एवर दे वॉन्टेड, कलर्स हैज शोन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बाई नॉट फाइटिंग, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड। हर एक शो उससे ही शुरू होना चाहिए। यू जस्ट नीड ब्लेसिंग्स, डोंट नीड वन पर्सन इरिटेटेड और एंग्री, चाहे वो देवानंद की फैमिली हो या किसी और की फैमिली हो या कोई भी ऑडियंस हो। You only need blessings for a good show, and I'm very happy there's been no fight, and I'm very happy they respected him. See, I told you, he loves nature and animals. That's the only thing. Humans se to apna matlab kabhi dikhayega hi nahi emotion ya any kind of interaction. To haan, ek hai billi uske paas jisko wo bahut special manta hai aur jiske sath uska ek bahut hi special relationship hai. लेकिन आपको मैं इतना ही कहूँगा कि फ़िलहाल एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें लोगों को, ऑडियंस को उसका बिल्ली का नाम गेस करना है। तो आई कांट टेल यू मोर अबाउट द कैट, बट येस यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि आई हैव एक्चुअली बिन जो भी आई हैड अ पेट डॉग, सो आई एम मोर इन टू डॉग्स देन कैट्स, बट इट्स ओके। बट आई लव द वे जैसे मैंने मैन हैंडल किया वो कैट को। वो कैट को मैं लिटरली, हम लोग एक सेम प्लेट से खाना भी खाते हैं। It's really nice, and I love animals, so it's great.